हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एंड आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी क्योंकि कल तो 15 अगस्त है, तो कल तो मार्केट क्लोज रहेगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से अपना आज का ऑप्शंस का लर्निंग वीडियो। आज का हमारा टॉपिक जिस पे है उसके रिगार्डिंग हमें बहुत बार मेल आते हैं, आप लोगों को काफ़ी डाउट्स रहते हैं इसके रिगार्डिंग। सो हमने सोचा इस पे क्यों ना वीडियो ही बना दिया जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉल या पुट, क्या खरीदना या बेचना चाहिए जिससे आपके पैसे कम ना हो। तो हम लोग सबको ऐसा ही लगता है जब हम बिगनर्स रहते, जब भी बिगनर हम आते हैं मार्केट में, हम बिगनर रहते हैं तो हम ऐसा ही लगता है कि कॉल को हम सिर्फ बाई करना चाहिए, कॉल को हमें बाई करना चाहिए एंड पुट को सिर्फ हमें शॉर्ट करना चाहिए। आपको भी ऐसा ही लगता था क्या? आप जब बिगनर थे या अभी आप बिगनर हो तो आपको भी ऐसा ही लगता है क्या? आप लोग कमेंट करो। तो इसके रिगार्डिंग हमें बहुत सारे मेल भी आते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि आप कॉल को बाई भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो एंड पुट को बाई भी कर सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉल है तो सिर्फ वो बाई होगा एंड पुट है तो सिर्फ वो शॉर्ट होगा। अब बात आती है कि कॉल या पुट क्या हमें खरीदना या बेचना चाहिए। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर स्ट्रैटेजी कि हमें किस में कौन सी स्ट्रैटेजी मिल रही है, मतलब इसमें इट टोटली डिपेंड्स ऑन आवर सेटअप कि हमें कॉल में बाई का सेटअप मिल रहा है या शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है एंड पुट में बाई का सेटअप मिल रहा है या शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है। तो आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो अपनी, आपका वो सेटअप आपको देखना है कि वो कॉल में आपको कैसा मिल रहा है, पुट में कैसा मिल रहा है। अगर मान लो आपको कॉल में अगर शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है तो आप कॉल में शॉर्ट करोगे ना कि आप बाई करोगे, राइट? सो अगर आप हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हो तो हमने आपको एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी दे रखी है। एक्सपायरी स्पेशल हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, तो मैं आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगी उस वीडियो का, स्ट्रैटेजी वीडियो का, आप वहाँ से देख लेना। एंड हम अपने इसके और जो हमारा टॉपिक है जिससे आपके पैसे कम ना हो, तो पैसे कम ना हो इस वजह से हम ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट यूज़ करते हैं जिससे हमारा रिस्क मैनेज होता है और हमारा पैसा जो है वो कम नहीं होते, हमारे पैसे धीरे धीरे ग्रो करते जाते हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट की शीट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी की भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो तो आप हमसे ये ले लेना अगर आपके पास ये नहीं है तो। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना एक मस्ट रिकमेंडेड ये ट्रेडिंग जर्नल दिखाना चाहती हूँ कि ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो डाल के रखी हुई है कैसे आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल को बनाना है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो मस्ट वॉच है हमारे साइड से ये वीडियो, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर कहीं पर दिलवा दूंगी, आप चेक कर लेना। एंड ये शीट भी आप हमसे ज़रूर ले लेना। सो रिस्क मैनेजमेंट की शीट एक हो गई फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेडिंग जर्नल की शीट, ये दोनों शीट आप हमसे ले लेना। आप चाहे हमें फॉलो करो या ना फॉलो करो, हमारी स्ट्रैटेजी यूज़ करो या मत करो, आपको ये दोनों शीट्स ऑलवेज काम आने वाली हैं, तो आप ये ज़रूर ले लेना हमसे, ओके? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम दोनों की एक्सपायरी थी आज, निफ्टी की भी एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी आज। तो आज हम दोनों में सिर्फ 20 सिंपल मूविंग एवरेज देखेंगे क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन हम सिर्फ 20 सिंपल मूविंग एवरेज देखते हैं, 50 पे हम नहीं देखते हैं, राइट? सो कल तो अब मार्केट क्लोज है एंड आप लोग के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करना है। आपका ये चैनल जो है 16th को 6 मंथ्स ओल्ड हो जाएगा, मतलब आपको पता होगा कि आपका ये चैनल 16th फेब को स्टार्ट हुआ था, तो परसों जो है इस चैनल के 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो आप लोगों को इसके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स एंड बहुत सारा थैंक्स। सो चलो देखते हैं, पहले हम देखते हैं कॉल साइड में। यहाँ पे देखो बिग रेड से हमारा मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, बट इस कैंडल पे आप ट्रेड नहीं ले पाते क्योंकि देखो एक रेंज में मूव करके जो है प्राइस गया था मूविंग एवरेज पे। ऐसा नहीं है कि वो चला तो मैं बोल दूंगी कि ये ट्रेड लेना था, ये ट्रेड नहीं लेना था। देन आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज से दूर था प्राइस, ये वाले कैंडल पे मूविंग एवरेज से दूर था। देन आगे चलते हैं, यहाँ पे देखो ये एक बी क्लास सेटअप था क्योंकि नीचे सेम रेंज में प्राइस मूव कर रहा था, ऊपर तो सेम हाई नहीं बनाया था बट नीचे सेम रेंज में मूव कर रहा था, तो यहाँ पे आप सेटअप ले सकते थे, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे क्योंकि नीचे सेम रेंज था बट ऊपर ये सेम रेंज में नहीं था, तो यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते थे इस वाले कैंडल पे। एंड ये देखो कितना अच्छा चला। देन आप सेकेंड ट्रेड आप यहाँ पे लेते, आप इस कैंडल पे नहीं लेते, ये वाले कैंडल पे नहीं लेते क्योंकि ये हैमर है लाइव मार्केट में, देखो आपको ऐसा ही दिखेगा। इस कैंडल पे आप ट्रेड नहीं लेते, इस पे आप लेते एंड ये भी देखो अच्छा चला। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बना आपका इस कैंडल पे, एंड ये भी आपका देख लेते हैं 43.5, ओके ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। थर्ड वाला ट्रेड जो है वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट दो ट्रेड आपके बहुत ब्यूटीफुली चले,
जैसा कि मैंने आपको दिखाया, दो शॉट के सेटअप आपको मिले, बहुत ब्यूटीफुली चले। एंड आपको आपका टारगेट 1:2 ही बुक करना होता है, जो आपका ये शीट है इसके हिसाब से ये टारगेट आपका 1:2 आपको बुक करना होता है, जो मैंने अभी हाईलाइट करके रखा हुआ है। ये सारे फार्मूलाज लगे हुए हैं, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूलाज से सारे कैलकुलेट हो जाते हैं। तो आपको सिंपल छोटा छोटा आपको 1:2 पे बुक करना होता है अपना टारगेट। उसके बाद फिर देखो कोई सेटअप नहीं मिला, ये तो 225 का सेटअप है, इससे लेट से हम ट्रेड नहीं करते हैं। तो आज तो बिल्कुल स्मूथ एक्सपायरी थी, वन साइड मूव था, प्राइस जो है देखो लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए चल रहा था। ये देखो इसी तरह मूव कर रहा था प्राइस हमारा, बिल्कुल लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए अच्छे से स्विंग के साथ प्राइस हमारा मूव कर रहा था। तो आज बहुत ही स्मूथ एक्सपायरी थी हमारी, राइट। एंड पुट साइड देख लेते हैं, चलो ये तो कॉल साइड था, चलो पुट साइड देख लेते हैं। ओके नहीं, ये मैंने अभी आपको दिखाया, हाँ आज तो दोनों साइड ही देखो डाउन डाउन था और दोनों में ही ट्रेड आया। आज तो बहुत ही ऑसम एक्सपायरी थी। देखो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट इस वाले कैंडल पे, देन देखो आगे चलते वन बाई वन, देखो इस तरह से ही आपको लाइव मार्केट में एक एक कैंडल बनती दिखेगी। देन यहाँ पे देखो आपको अलर्ट हो जाना है, अब आपका ट्रेड सेटअप बन सकता है। देन देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल आपका ट्रेड सेटअप बना इस कैंडल पे देखो आपका ट्रेड सेटअप बना, राइट। उसके बाद देखो आपकी एंट्री ट्रिगर हुई, देन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन आप री एंट्री कर सकते थे यहाँ पे। एंड ये देखो इसके बाद ये कितना अच्छा चला, देन यहाँ पे भी आप एक एंट्री कर सकते थे, देन यहाँ पे भी एक ट्रेड आया आपका, बैक टू बैक देखो आपको ट्रेड्स मिले। ये भी बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड है, ये देखो लाइव मार्केट में आपको ऐसा ही दिखेगा। सो ये भी बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड है। देन आपको वन मोर ट्रेड मिला यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल। आज की एक्सपायरी तो ऑसम थी एंड सारे आपके टारगेट कम्प्लीट हुए। देखो एक भी आपका एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद चार ट्रेड आपके टारगेट कम्प्लीट हुए, बैक टू बैक फोर ट्रेड्स टारगेट बोलो। ऐसी सिंपल स्ट्रैटजी आपको वो भी ऑप्शंस में कोई प्रोवाइड करेगा क्या फ्री में, आप ही बताओ। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ, जब मार्केट जिस दिन ऐसा ट्रेंडी मार्केट मिले आपको, आप उस दिन उसको ट्रेड करो, ना कि आप इस चक्कर में फंसो जिस दिन आपका ऐसा साइडवेज मार्केट रहे। जैसे ये देखो कंप्लीट साइडवेज मार्केट है ये, तो इस दिन आप ज़बरदस्ती का ट्रेड करने से अच्छा है कि जिस दिन आपको ट्रेंडिंग मार्केट रहे। आप कैसे पहचानोगे कि साइडवेज है या ट्रेंडिंग है? साइडवेज पहचानने के लिए देखो, जब प्राइस इस तरह स्विंग्स में मूव करे, लाइक लोअर लो लोअर हाई बनाए, इसका मतलब कि आपका ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। एंड अगर सेम हाई सेम लो बनाए तो समझ लो साइडवेज है। तो बहुत ईजी होता है साइडवेज पहचानना, बट अगर आप ये पहचान लेते हो ना, अगर ट्रेंडिंग मार्केट एंड साइडवेज मार्केट को आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, तो आपका अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस ऑलवेज बच जाएगा। एंड आज तो बहुत ही ऑसम एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, कितने लोगों ने आज पैसे बनाए ये बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ। तो बैंक निफ्टी का ये था हमारा एनालिसिस, चलो अब हम निफ्टी में देख लेते हैं, क्योंकि एक्सपायरी थी इसलिए हम सिर्फ 20 सिंपल मूविंग एवरेज पे देखेंगे। जैसा कि आपको पता है हम 50 पे नहीं देखेंगे। तो ये देखो डेली नहीं मिलेगा आपको इस तरह का ट्रेंडिंग मार्केट जो है वो डेली नहीं मिलेगा फॉर श्योर, बट जिस दिन मिलेगा आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, आपको उसका फ़ायदा उठाना है बिल्कुल, राइट। सो ये चलो निफ्टी का लोड हो रहा है, ओके। सो देखो निफ्टी में भी OTM सारे ज़ीरो हो चुके हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की भी। चलो हम वन बाई वन देखते हैं, आज निफ्टी में भी आई होप ट्रेंडिंग डे ही होगा क्योंकि बैंक निफ्टी में था। यस देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ हमारा, उसके बाद यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल सेटअप मिला हमें इस वाले कैंडल पे। लाइव मार्केट में देखो आपको ऐसा ही दिखेगा, देख रहे हो आप, बहुत ब्यूटीफुल हमें मिला सेटअप। ये देखो वन साइड मूव हुआ, उसके बाद एक और आपको यहाँ पे सेटअप मिला, देन उसके बाद आपको थर्ड सेटअप जो मिला वो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आपके दो ट्रेड्स टारगेट चले। एंड इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, आपको बस प्रिपेयर रहना है, जिस दिन भी मार्केट ट्रेंड में रहे उस दिन आपको ट्रेड लेने के लिए प्रिपेयर रहना है। ये एवरीडे नहीं मिलेगा, लाइक देखो यहाँ पे ये कंप्लीट साइडवेज था, मैं मार्क करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये कंप्लीट साइडवेज मार्केट था, ये जो था मार्केट उसमें आपको मूविंग एवरेज देख के भी समझ में आ जाएगा साइडवेज है। बट जिस दिन आपको इस तरह ट्रेंडिंग मिले उस दिन तो आपको इसका बिल्कुल अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसा कि आज था। देखो कॉल साइड में आपके दो ट्रेड्स टारगेट हुए, एक स्टॉप लॉस हुआ, पुट साइड में भी चलो देख लेते हैं। सो पुट साइड में देखो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड मिला हमें, मैं आपको दिखाती हूँ लाइव मार्केट में कैसा दिखेगा आपको। ये देखो यहाँ पे आपको ट्रेड मिला। तो एक्चुअली हमने आपको ब्लूप्रिंट दे रखा है, अब आपको
आपको अपने से डिसीजन लेके लाइव मार्केट में, अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, ये आपको लाइव मार्केट में खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर आप कभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप खुद से नहीं डिसाइड करोगे। देन यहाँ पे देखो आपका ट्रेड मिस हो जाता क्योंकि डोजी बन गई थी, तो यहाँ पे आपका ट्रेड मिस हो जाता। ऐसा नहीं चल गया तो मैं बोलूँगी डोजी पे ट्रेड ले लो। देन यहाँ पे एक सेटअप आया, देखो ये कितने बजे का सेटअप है, यस ये 140 का सेटअप है, ये भी बहुत अच्छा चला। ये देखो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये इसका हाई है 10, इसका हाई है 9.35, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो आपके दो ट्रेड्स आए पुट में भी, एंड वो भी देखो ऐसा बहुत रेयर होता है कि दोनों में हमारा मूविंग एवरेज जो है वो फॉलिंग मिले एंड दोनों में ट्रेड्स मिले, ऐसा कम ही होता है जो ये आज डे था ऐसा। सो ये था हमारा आज का ऑप्शंस लर्निंग वीडियो। आज बहुत ही स्मूथ एक्सपायरी गई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों की, तो आई होप आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया होगा, राइट। एंड ये शीट आपके पास नहीं है तो कमेंट करो, कोई भी डाउट हो, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी सजेशन हो कमेंट करो। एंड ये ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो ज़रूर देख लेना एंड उसके बाद अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको इस चैनल पर ये सपोर्ट दे रहे हैं कि आप हमसे फ्री में चेक करवा सकते हो अपना ट्रेडिंग जर्नल मंथ एंड पे हमें सेंड करके। सो ये आपको फ्री में सपोर्ट कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, तो बट इसके लिए आपको पहले अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाना पड़ेगा, राइट। तो आज से स्टार्ट कर दो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं अब फ्राइडे को एक नए लर्निंग वीडियो में। कल तो मार्केट क्लोज है, तो आप लोग को एडवांस में हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, कल तो छुट्टी है। सो मिलते हैं फ्राइडे के एक नए लर्निंग वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।